हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस चैप्टर 10 ऑफ क्लास 8th आर्ट एंड कल्चर इन राजस्थान. अवर राजस्थान वी शैल डिस्कस अबाउट मोलेला टेराकोटा, मोलेला मूर्तिकला. लेट्स स्टार्ट. पोटर्स ऑफ मोलेला विलेज ऑफ राजसमंद हैव गिवन इट रिकॉग्निशन ऑन इंटरनेशनल लेवल. दे मेक टेराकोटा प्लेक्यूज एम्बेलिश्ड विद फोक डाइटीज, गॉड्स, गोडेस एंड एनिमल्स लाइक शिव पार्वती, पनिहारी, बैरूजी, एलिफेंट, गणेश, कैमल, हॉर्स, पपेट, हनुमान, पैरट, स्पैरो, पीकॉक, फ्लूट प्लेयर, लॉयन, क्रोकोडाइल, रेट एटसेट्रा. दिस आर्ट इज डिस्टिंग्विश्ड एज मोलेला टेराकोटा. द आर्ट ऑफ मेकिंग क्ले स्कल्पचर्स एंड बेकिंग देम इन फायर इज नोन एज टेराकोटा. राजसमंद जिले के मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है. ये शिव पार्वती, पनिहारी, बैरूजी, हाथी, गणेश, ऊंट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, मोर, बांसुरी वाला, शेर, मगरमच्छ, मूषक, चूहा आदि लोक देवी देवताओं एवं जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं. यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है. मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं. इन द पिक्चर 10.6 मोलेला टेराकोटा इज शोन. नेक्स्ट, हवेलीज. Havelis were constructed according to the principles of Vastu Shastra, out of which Haveli tradition of Jaipur is well known. The merchant class of Shekhawati followed this tradition and built Havelis. Massive Havelis of Ramgarh, Nawalgarh and Mukundgarh are famous. Carving in Salam Singh ki Haveli, Nathmal ki Haveli एंड पटवों की हवेली इन जैसलमेर इज यूनिक. हवेलीज ऑफ बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा एंड उदयपुर आर फैंटास्टिक एग्जांपल्स ऑफ आर्किटेक्चर. राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुसार हवेलियों का निर्माण हुआ, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरा सुप्रसिद्ध है. शेखावाटी के श्रेष्ठियों व्यापारियों ने इस परंपरा को अपनाते हुए हवेलियों का निर्माण करवाया. रामगढ़, नवलगढ़, मुकंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियां प्रसिद्ध हैं. जैसलमेर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली की नक्काशी अनुपम है. बीकानेर, फलोदी, करौली, भरतपुर, कोटा, उदयपुर की हवेलियां भी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं. सीनेटॉफ्स छतरियां. मोन्यूमेंट्स बिल्ट बाय रूलर्स, फ्यूडल लॉर्ड्स एंड मर्चेंट क्लास ऑफ राजस्थान इन द मेमोरी ऑफ देयर एंसेस्टर्स आर नोन एज सीनेटॉफ्स एंड देवल्स. राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठी वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनाए वे छतरियां तथा देवल के नाम से जाने जाते हैं. द आर्किटेक्चर ऑफ सीनोटाफ ऑफ मुसी महारानी अलवर, सीनोटाफ ऑफ गोपाल सिंह करौली, 84 पिलर्ड. पिक्चर 10.8 84 पिलर सीनोटाफ बूंदी. नेक्स्ट पेज. इट
84 पिलर सीनोटाफ बूंदी, सीनोटाफ ऑफ मर्चेंट्स इन रामगढ़, सीनोटाफ ऑफ ईश्वर सिंह गैटोर जसवंत थड़ा जोधपुर, आहड़ उदयपुर बड़ा बाग जैसलमेर इज हाईली फैसिनेटिंग। दीज ह्यूज एंड मैग्निफिशेंट सीनोटाफ आर एम्बेलिश्ड बाय ब्यूटीफुल कार्विंग्स एंड फ्रिस्कोज, इट इंक्रीजेज देयर मैग्निफिसेंस। अलवर में मुसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी, रामगढ़ में सेठों की छतरी, गैटोर में ईश्वर सिंह की छतरी, जोधपुर में जसवंत थड़ा, उदयपुर में आयड़ व जैसलमेर में बड़ा बाग की छतरियाँ की स्थापत्य कला अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्रण के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य की कला में 4 चांद लगा देता है। पेंटिंग्स चित्रकला। पेंटिंग्स एज एन आर्ट फॉर्म इन राजस्थान हैज बीन एफ्लुएंट इन इट्स फॉर्म सिंस हिस्टोरिकल इरा। The influence of Ajanta school and Mughal school is visible in its artistry. This art was limited to royal courts, but with the downfall of the Mughal empire, artists moved to other places to seek patronage. Rajasthan में ऐतिहासिक काल से ही चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मकता में अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। यह कला राजदरबारों तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले गए। देन द रूलर्स ऑफ राजस्थान पेट्रोनाइज देम। इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ पेंटिंग वॉज डेवलप्ड बाय मुगल पेंटर्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पेंटर्स एंड आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। इट हैड लोकल फीचर्स। पिक्चर 10.9 बनी ठनी। तब राजस्थानी राजाओं ने उन्हें प्राश्रय दिया। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपरा के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया, जो स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। पेंटिंग स्टाइल चित्र शैली। स्पेसिफिक मेथड्स टू ड्रॉ पेंटिंग्स। चित्र शैली से तात्पर्य चित्र बनाने के एक विशेष प्रकार के तरीके से है। Different painting styles schools present their own hallmark. Painting styles developed in different states become representative styles of that place because of their local characteristics. Rajasthan में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान बनाती हैं। विभिन्न रियासतों में विकसित चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण वहाँ की शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। दीज स्टाइल्स कैन बी रिकॉग्नाइज थ्रू देयर कलर्स, बैकग्राउंड्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। Like green color is prominently used in the paintings of Jaipur and Alwar, yellow in the paintings of Jodhpur and Bikaner, red in the paintings of Udaipur, blue in Kota, white and pink in Kishangarh, and golden in the paintings of Bundi. विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। जैसे जयपुर अलवर के चित्रों में हरे रंग का, जोधपुर व बीकानेर के चित्रों में पीले रंग का, उदयपुर के चित्रों में लाल रंग का,
कोटा के चित्रों में नीले रंग का, किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद या गुलाबी रंग और बूंदी के चित्रों में सुनहरी रंग का विशेष प्रयोग हुआ है। बैकग्राउंड इन दीज पेंटिंग्स इज मार्क्ड विद ट्रीज लाइक कैर ट्री, कदम्ब इन उदयपुर स्टाइल, बनानास इन किशनगढ़ स्टाइल, डेट ट्रीज इन कोटा बूंदी स्टाइल, पीपल एंड बेनियन ट्री इन जयपुर अलवर स्टाइल, मैंगो ट्री इन बीकानेर एंड जोधपुर स्टाइल। चित्रों की पृष्ठभूमि में जयपुर उदयपुर शैली में कदम्ब वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले, कोटा बूंदी शैली में लंबे खजूर के वृक्ष, जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्ष, बीकानेर व जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं। दीज स्टाइल्स डिफर इन द पोर्ट्रेयल ऑफ एनिमल्स आल्सो, लाइक एलिफेंट एंड लार्क्स इन उदयपुर स्टाइल, काउज इन नाथद्वारा स्टाइल, पीकॉक एंड पैरट्स कैन बी सीन इन जयपुर एंड अलवर स्टाइल। फीचर्स ऑफ मैन एंड वुमेन आल्सो डिफर इन वेरियस स्टाइल्स। विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वारा शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली के चित्रों में मोर व घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। विभिन्न शैलियों में स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी अलग अलग हैं। बनी ठनी पोर्ट्रेज एस्पेक्ट्स ऑफ फीमेल ब्यूटी इन किशनगढ़ स्टाइल, मुगल इन्फ्लुएंस इज क्लियरली विजिबल इन द पेंटिंग स्टाइल्स ऑफ आमेर, जयपुर है, जोधपुर एंड बीकानेर। जनरली पेंटिंग्स इंक्लूड थीम्स ऑफ हंटिंग, रिक्रिएशन, फेस्टिवल्स अलोंग विद नेचर, डे टू डे लाइफ, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी में नारी सौंदर्य को चित्रित किया गया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर की शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट झलकता है। प्राय शिकार, मनोरंजन के क्रीड़ाओं वह उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक, दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज म्यूजिक, संगीत कला। म्यूजिक इज इन ट्रेंड इन राजस्थान सिंस टाइम इमेमोरियल। साउंड्स ऑफ इनकरेजिंग म्यूजिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट जेलस एनवायरनमेंट ड्यूरिंग वार। राजस्थान में प्राचीन काल से ही संगीत का प्रचलन रहा है। युद्ध के समय उत्साहवर्धक संगीत की ध्वनियाँ एवं वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। वेरियस रागाज ऑफ म्यूजिक अलोंग विद मांडा राग रिप्रेजेंटिंग श्रृंगार आर नोटेबल। रूलर्स ऑफ राजस्थान हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक। डिवोटीज ऑल्सो एक्सपेंडेड राग रागिन्स ऑफ म्यूजिक। यहाँ विविध रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से युक्त मांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतज्ञों एवं गायकी का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत की विभिन्न राग रागनियों को प्रचलित एवं प्रसारित किया है। मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई आर डिस्टिंग्विश्ड। मैनी ट्रेडिशंस ऑफ म्यूजिक हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन राजस्थान। फोक सॉन्ग्स अबाउट रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, प्रेज ऑफ डाइटीज एंड मैट्रिमोनियल सॉन्ग्स आर संग अमंग कॉमन्स। मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई आदि के नाम संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट रहे हैं। संगीत के विविध घरानों में घराने भी राजस्थान में विकसित हुए हैं,
जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव पर्व, देवी देवताओं के जागरण एवं वैवाहिक गीत भी गाए जाते हैं। रिमार्केबल आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान इज क्लियरली विजिबल इन इट्स फोर्ट्स, टेम्पल्स, हवेलीज, सीनोटाफ्स एटसेट्रा। इट इज अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व दिस बिल्डिंग, दिस हेरिटेज। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मंदिर, मूर्तिकला, हवेलियों, छतरियों में देखने को मिलती है, जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है। इस विरासत को अक्षुण रखना हम सबका दायित्व है। ग्लोसरी शब्दावली। मोट, मोट मैंने खाई। ए डीप एंड वाइड ट्रेंच सराउंडिंग फोर्ट। सेबोटेज, टू डिस्ट्रॉय और डैमेज समवन, अवरोध पैदा कर नष्ट करना। इनविंसिबल, अजय, विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया ना जा सके। इम्प्रेग्नेबल, विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिस पर कब्जा ना किया जा सके। दुर्भेद्य, रेवाइंस, डीप वैली विद स्टीप साइड्स, खाइयाँ। कॉन्फ्लुएंस, प्लेस वेयर मोर देन वन रिवर्स मीट, वह स्थान जहाँ एक से अधिक नदियाँ मिलती हैं, संगम। ऑर्नेट, सुसज्जित करना, हाईली डेकोरेटेड। प्रीपोंड्रेंस, मेजोरिटी। बाहुल्य, सो स्टूडेंट्स वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर, नाउ यू शुड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज योरसेल्फ। ओके, थैंक्स, बाय।